तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो कल था सुपर संडे और कल का संडे सुपर इसीलिए हुआ था क्योंकि कल हमारे तीनों मैचों में प्रिडिक्शन सही साबित हुई थी। जी हाँ, लगभग T10 के अभी 14 मैच हो चुके हैं, 14 में से 11 मैचों की प्रिडिक्शन ऑलरेडी हमने सही दे दिए हैं, जो कि टेलीग्राम पे दिया हूँ और टेलीग्राम के लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, कल हमने वीडियो में गलती से सेकेंड मैच में हमने चेन्नई ब्रेव्स के बदले हमने टीम अबू धाबी कर दिया था, लेकिन मैच चेन्नई ब्रेव्स का था तो वो करेक्शन हमने टेलीग्राम पे कर दिया था और सारे कप्तान भी चेंज हुआ था वहां पे, तो हमने टेलीग्राम पे सारा अपडेट दे दिया था और टेलीग्राम के माध्यम से ही तीनों मैच हमारे सही साबित हुए थे। और इसके पहले भी काफी अच्छा प्रदर्शन हमारा टीटन में रहा है, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है, तो लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। जो हमारे मित्र टेलीग्राम पे थे उन्होंने कल बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था, कल क्या उसके पहले भी अच्छा खासा T10 में प्रॉफिट अर्न किया था। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं, दो मैच है आज मंडे को। आज दोस्तों आज का पहला जो मैच रहेगा वो रहेगा NYS मतलब कि न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और MSA के बीच में, और साथ ही सेकंड मैच जो रहेगा वो रहेगा टीम चेन्नई ब्रेव्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के बीच में। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेडिक्शन मिले तो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर टोनी भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये टोनी भाई आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है, वहां से भी नंबर इनका ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज पहले मैच की बात करते हैं। देखिए पहला होने वाला है न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और MSA के बीच में। आज दिन है सोमवार और न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स का स्वामी सनी और MSA का स्वामी होने वाला है सूर्य। कप्तानों की बात कर लेता हूं दोस्तों, तो यहां पे NYS यानी कि न्यूयॉर्क स्ट्राइकर केरन पोलार्ड कप्तानी करेंगे, वहीं MSA डेविड मिलर कप्तानी करने वाले हैं। T10 में कप्तान चेंज होते हैं, सारी चीजें भी चेंज होती हैं, इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको सारा अपडेट मिल जाता है और वहीं पर आपको मेन प्रॉफिट होता है, तो वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहां पे दोस्तों पहले मैच को देखा जाए तो मंगल स्वामी है यहां पे किरण पोलार्ड की सबसे बात करता हूं, और डेविड मिलर चंद्रमा स्वामी है इनका। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो टॉप प्लेयर रहने वाले हैं इस मुकाबले के पहले वो रहने वाले डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, आंद्रे फ्लेचर, अकेला हुसैन और के जन्नत इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट प्लेयर 5 साबित होने वाले हैं। चलिए मैच रिजल्ट की बात करता हूं, तो यहां पे आपको आज MSA की टीम, जी हां MSA की टीम जीतते हुए दिखाई दे सकती है। सेकंड मैच की बात करता हूं तो सेकंड होने वाला है दोस्तों TCB द चेन्नई ब्रेव्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के बीच में। यहाँ पे यदि बात करता हूँ चेन्नई और नॉर्दर्न की, मंगल स्वामी दोनों का एक ही स्वामी है तो मैच काफी बढ़िया हो सकता है। कप्तानों की बात करता हूँ तो सिकंदर रजा सनी स्वामी और रोमन पावल शुक्र स्वामी। तो मेरे हिसाब से इस मैच के जो टॉप 5 खिलाड़ी वो सकते हैं, देखिए आप इस टीटेल में ना फिलहाल वेस्ट इंडीज के पूरे खिलाड़ी का जलवा रहा है, अकेला हुसैन से लेकर के सैम रदरफोर्ड से लेकर रोमन पॉवेल से लेकर के यहाँ पे लेविस तक के, यानी कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर एक खास प्लेयर है टी10 लीग में। तो यहाँ पे मैं पिक करने वाला हूँ रोमन पॉवेल को, एडम लिथ को, सैम रदरफोर्ड को, कार्लोस ब्रेथवेट को और डेविड मलान को, ये और एक सिकंदर रजा को। ये 5 प्लेयर इस मुकाबले के बहुत ही बढ़िया प्लेयर साबित हो सकते हैं और यही 5 प्लेयर मैन ऑफ द मैच इनमें से एक हो सकता है। मैच रिजल्ट की बात करता हूँ तो ये रिजल्ट फाइनल नहीं है, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और इस मुकाबले में, जी हाँ, इस मुकाबले में जो है विनर हो सकती है नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम, इस मुकाबले को जीत सकती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।